أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السيد اكاديمي پریکٹیکل لینڈ سروے اور سکروڑ گڑی شہزاد پشاور آج ہم سول 3D میں سرکولر ٹنل کے اسمبلی کو کریٹ کریں گے کہ ہمارے ساتھ اگر سرکولر ٹنل ہو تو اس کے لیے ہم اسمبلی کو کیسے کریٹ کریں گے اٹوکیٹ سول 3D میں صحیح ہے تو اس کے لیے میں پولی لائن کی مدد سے اسمبلی بنا رہا ہوں ٹھیک ہے میں ایک سرکل کے لیے سی کو انٹر کر لوں گا ٹھیک ہے और यहाँ पे जितने भी आपके साथ रिक्वायर्ड होगा इसका डायमीटर सही अभी मेरे साथ जो है मैं डी इंटर करूँगा डायमीटर के लिए और 20 मीटर फॉर एग्जांपल मैंने 20 मीटर ले लिया डायमीटर सही और इंटर सही तो ये देखिए फ्रेंड मेरे साथ 20 मीटर का डायमीटर का एक सर्कल ड्रा हो गया सही टनल का अब हम क्या करेंगे इसके लिए वो इंटर कर लेंगे और इससे एक मीटर का ऑफसेट ले लेंगे अंदर अंदर सही ये ऑफसेट ले लिया ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे नीचे जो लेंस की मदद से यहाँ से जो हमारे साथ मटेरियल आएगा सही यहाँ से R2 को ऑन करेंगे ठीक है क्लिक करके यहाँ से TR डबल इंटर एंड यहाँ से और यहाँ से ट्रिम कर लेंगे ये हमारे साथ जो नीचे टनल में जो मटेरियल आएगा रोड का फिलिंग वगैरह जो भी आएगा उसके तक मैंने लैंड ड्रा कर लिया अब हम क्या करेंगे पूरी लैंड PL इंटर करेंगे यहाँ पर एक सेंटर पे एक लाइन ड्रा कर लेंगे यहाँ पे हमारे साथ जो भी सेंटर मार्क आएगा यह पे हमारा सेंटर हो जाएगा ये सिर्फ हम सेंटर ड्रा करने के लिए कहते हैं सही एक सेंटर यहाँ पे ड्रा कर लेंगे अब हम PL एंटर कर लेंगे यहाँ से पूरी लाइन ड्रा और अब यहाँ पे देखो हम आएंगे आर्क पे क्लिक करके यहाँ से हम आर्क में देखो लाइन रेडियस ये सेकेंड PT वाला पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा आर्क बन गया अब यहाँ पे क्या करेंगे अब अगेन L एंटर करेंगे यहाँ पे लाइन लगाएंगे और यहाँ पे अगेन आर्क और सेकंड PT और यहाँ पे क्लिक करके अपना आर्क लगा लेंगे ये लास्ट पॉइंट तक एंटर कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड ये देखो हमारे साथ एक साइड राइट साइड बन गया है इसका सही लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड भी इसी तरीके से बन सकता है सही अगर नहीं बन सकते बनाते हो तो आप रेडी आप मिरर भी कर सकते हो सही MI एंटर करो यहाँ इसको सेलेक्ट करो राइट क्लिक करो इसका ये सेंटर पॉइंट क्लिक करो और ये सेंटर पॉइंट क्लिक करो यहाँ नो कर लो तो देखिए फ्रेंड यहाँ भी मिरर हो गया है सही अब हम क्या करेंगे हमारे साथ राइट साइड भी आ गए लेफ्ट साइड भी आ गए अभी तीसरा जो है बॉटम ये वाला इसके लिए हम क्रिएट करेंगे तो PL एंटर करके यहाँ से लाइन स्टार्ट कर लेंगे यहाँ पे PL स्टॉप कर लेंगे अब इसके बाद हमारे साथ आर्क है तो आर्क में जाएंगे और सेकंड PT और ये वाला पॉइंट जो है स्टार्ट सेंटर जो हमने किया ये यहाँ पे लास्ट क्लोज कर लेंगे ठीक है तो हमारे साथ ये देखो थर्ड नंबर भी आ गए ऐसे बॉटम जो है बॉटम साइड अब हमने ये बना लिया अब हम इसके बाद क्या करेंगे हम इसको असेंबली में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आएंगे होम में देखो क्रिएट डिज़ाइन पैनल में इसको ड्रा बैक करेंगे नीचे और यहाँ इसको देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएट सब असेंबली फ्रॉम पॉलीलाइन इसको सेलेक्ट करने के बाद अपना जो आपका ये को एक राइट साइड को पहले सेलेक्ट करो देखो इसको इधर से आप नाम भी दे सकते हो मेरे साथ आ गया राइट साइड आर साइड मैंने लिख लिया ठीक है राइट साइड होगा इधर से आप स्टाइल वगैरह सब कुछ चेंज कर ओके तो ये देखो इसका कलर चेंज होगा अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे अगेन आएंगे सब असेंबली फ्रॉम पॉलीलाइन लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट साइड लिख लेंगे ठीक है लेफ्ट साइड ओके तो ये देखो ये भी असेंबली में कन्वर्ट हो गए अब ये थर्ड नंबर को सेलेक्ट करके इधर से देखो असेंबली फ्रॉम पॉलीलाइन और लेफ्ट सेलेक्ट करके इधर से बॉटम सेट कर लेंगे ठीक है बॉटम हम तीनों असेंबली में कन्वर्ट हो अब इसके बाद देखते हैं देख इसके बाद हम इसका ये इसको सेलेक्ट करेंगे और ये देखो इसका शेप बनाएंगे 8 शेप पे क्लिक करेंगे और ये देखो यहाँ से अभी इसको सेलेक्ट करके एंटर कर लेंगे देखिए फिर इसका शेप बन गया सही अभी अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट वाले साइड को 8 शेप और इसको सेलेक्ट करने के बाद देखो इसका भी होगा लास्ट नंबर जो है इसको सेलेक्ट करो 8 शेप और एंटर कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड इसका ये कलर चेंज हो गया ये शेप में कन्वर्ट हो गया अभी इसके बाद हम
इसका ये ओरिजिन पॉइंट सेट करेंगे, इसके ऊपर हम अगर क्लिक करें तो इसका ओरिजिन पॉइंट ये बता रहे हैं, हालांकि हमें सेंटर पे चाहिए, तो सेंटर पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडिफाई ओरिजिन। अब अगर हम कर्सर को इधर रखें तो हमें सेंटर बताएगा, तो हम इधर सेंटर के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब बॉटम का अगर हम सेंटर देखें तो इधर बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाई ओरिजिन। अगर हम इधर कर्सर लाए और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे आ गया सेंटर पे। लेफ्ट पे सेलेक्ट करेंगे मॉडिफाई ओरिजिन और यहाँ पे इसको भी सेंटर पे कर लेंगे। तो अब तीनों जो है लेफ्ट राइट और बॉटम सेंटर पे आ गए, देखो इसका मॉडिफाई पॉइंट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे असेंबली, क्रिएट असेंबली और यहाँ से कोई भी नाम आप दे सकते हो, मैं दे दूँगा सर्कुलर असेंबली नाम दे दिया, ओके, और यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस राइट साइड को सेलेक्ट करो और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए टू असेंबली के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे असेंबली के ऊपर क्लिक। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे आ गया। अब लेफ्ट साइड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लेफ्ट साइड को सेलेक्ट करेंगे ए टू असेंबली और अभी इसको भी इधर क्लिक करेंगे तो इधर भी आ जाएगा, सही। इसके बाद जो है हमारे साथ बॉटम साइड नीचे रह गए, तो बॉटम साइड के ऊपर क्लिक करेंगे ऐड टू असेंबली और इसको भी असेंबली में ऐड कर लेंगे, सही। तीनों असेंबली में ऐड होगा, इसको हमें अभी नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर लेंगे, ये हमारे साथ असेंबली है, ठीक है। अब अभी इसमें एक चीज़ रह गया जो है कोड, इसका कोड रह गया, तो हम अभी कोड इसको देंगे। कोड के लिए इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे, सही, इधर से थोड़ा सा इधर इसको इधर से थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे, सही। इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, इसके थोड़ा सा मूव कर लेंगे, से इसको भी थोड़ा सा मूव कर लेंगे और इसको भी थोड़ा सा मूव कर लेंगे, से हम अभी इसको कोड देंगे। पहले राइट वाले सेट को क्लिक करेंगे एड कोड और अभी नीचे बता रहे कोड दे दो, तो ये राइट साइड हो गया, सही, राइट साइड वन। आप जो भी कोड देना चाहते हो दे सकते हो, सही, राइट साइड में वन दे दिया और एंटर कर दिया। देखो अभी कह रहा है कि अपना सब असेंबली पॉइंट जो है इसको सेलेक्ट कर, तो इसको मैं सेलेक्ट कर दिया। देखो अभी इसको कलर भी चेंज होगा, इसका कोड इसमें ऐड होगा, सही। अभी लेफ्ट का करते हैं, सही, सेलेक्ट कर दिया ऐड कोड और इसको दे देंगे लेफ्ट साइड वन एंटर और इसको सेलेक्ट करो, सही। देखिए तो इसका कलर भी चेंज हो गया, सही। अब इसके बाद जो है बॉटम ऐड कोड और इसको नाम दे देंगे बॉटम वन, सही, एंटर और इसको सेलेक्ट करके एंटर करो। तो अभी देखिए फ्रेंड ये सारों में कोड ऐड हो गया। अब इसको अगेन अपने जगह पे वापस सेंटर पे लाएंगे, सही। इसको सेलेक्ट करके अगेन इधर अपना सेंटर पे लाएंगे। तो ये हमारे साथ असेंबली रेडी हो गया। अब अगर हम इसको देखे पॉलीलाइन की मदद से असेंबली सर्कुलर टनल का असेंबली हमने क्रिएट कर दिया। अब अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें मार्कर के ऊपर और राइट क्लिक करें और असेंबली प्रॉपर्टी में चले जाए, तो ये देखो असेंबली सर्कुलर हमने बनाया था। कंस्ट्रक्शन में अगर हम जाए तो हमने वहाँ पे क्या दिया था, राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड बॉटम साइड, ये थी। और कोड्स में हमने जो दिए थे, कोड्स में भी हमने यही दिए थे, राइट क्लिक सब असेंबली प्रॉपर्टी और कोड्स। कोड्स में हमने शेप्स बनाया था, तो शेप्स में हमने राइट साइड वन, लेफ्ट साइड वन एंड बॉटम वन, ये तीनों ऐड किए। तो इसी तरीके से सिविल 3D में पॉलीलाइन की मदद से सर्कुलर टनल असेंबली को क्रिएट की जाती है, सही है।